Hello students, good morning all of you. Today we will start next chapter, the chapter 6, and name of the chapter is combustion and flame. So firstly we will discuss about combustion. Combustion, what is combustion? The burning of substance to produce light and heat is called combustion. Burning of substance, किसी भी पदार्थ का, किसी भी materials का जलना air की presence में और जलकर लाइट और हीट यानी कि बिजली और ऊर्जा दोनों प्रोड्यूस, लाइट मतलब लाइट एंड हीट दोनों प्रोड्यूस करना यानी कि दोनों ही बनना, वो क्या कहलाता है? हमारा कंबशन कहलाता है. यानी कि जब भी कोई सब्सटेंस एयर के प्रेजेंस में, एयर के मौजूदगी में जलता है और लाइट और हीट दोनों निकलती है, तो वो प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है? कंबशन कहलाता है. अब देखिए, कोई सब्सटेंस जलेगा ये या नहीं जलेगा, तो दो तरह के सब्सटेंस होते हैं हमारे, एक कंबस्टिबल सब्सटेंस एंड एक नॉन कंबस्टिबल्स, कंबस्टिबल्स एंड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस. कंबस्टिबल सब्सटेंस, दो सब्सटेंसेस विच बर्न्स इन एयर आर कॉल्ड कंबस्टिबल सब्सटेंसेस. ऐसे सब्सटेंस, ऐसे मटेरियल्स, ऐसे पदार्थ जो एयर में जलते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? कंबस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं. यानी कि जो एयर में जल सकते हैं उनको हम कंबस्टिबल सब्सटेंस. फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम रिबन जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और एक वाइट फ्लेम के साथ जलता है, एक वाइट फ्लेम जो है प्रोड्यूस करता है. कार्बन है, लकड़ी है, पेपर है, ये सब क्या करते हैं? ऑक्सीजन के साथ यानी कि एयर के प्रेजेंस में जलते हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? कंबस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं. नेक्स्ट वन इज़ नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस. दो सब्सटेंसेज विच डू नॉट बर्न इन एयर आर कॉल्ड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेज. ऐसे सब्सटेंसेज जो एयर में नहीं जलते हैं, जो नहीं जलते हैं उनको क्या कहते हैं? नॉन कंबस्टिबल. यानी कि वो जलते ही नहीं है तो वो जलने योग्य नहीं है. एग्जाम्पल के लिए जो रॉक है, स्टील है हमारा, ये क्या है हमारे? नॉन कंबस्टिबल. यानी कि इनको हम जला नहीं सकते, चाहे एयर की प्रेजेंस हो या ना हो, इनको हम जला नहीं सकते हैं. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबशन. अब कंबशन के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती, कौन सी कंडीशन नेसेसरी होती, यानी कि जलने के में क्या क्या चीज़ें जो हो जरूरी चाहिए. देन द फर्स्ट इज एयर. एयर इज़ अ वेरी नेसेसरी कंडीशन फॉर कंबशन. एयर जो है, इसके लिए एक एक्टिविटी भी आप घर पे कर सकते हो कि आप देखिए एक कैंडल को बर्न करके छोड़ दीजिए और उसके ऊपर एक ग्लास जो है, वॉच ग्लास या सॉरी ग्लास जो है उसके ऊपर थोड़ी देर देखिए. आप कैंडल को जब ओपन एयर में रखेंगे तो वो बर्न करती रहेगी, लेकिन आप क्या कीजिए, एक ग्लास जो है उस पर उल्टा रख दीजिए. आप क्या देखेंगे, थोड़ी देर तक तो वो जलेगी लेकिन कुछ समय बाद क्या हो जाएगी, कैंडल जो है बुझ जाएगी आपकी. क्यों ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जब तक ग्लास के अंदर एयर थी उस एयर की वजह से वो जलती है. जैसे उस एयर को, ऑक्सीजन को यूज़ कर लेती है बर्निंग में, वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं रहती है तो वो अपने आप बुझ जाती है. यानी कि एयर जो है वो बहुत ही नेसेसरी कंडीशन है. ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के जो क्या है, कोई भी सब्सटेंस जो है वो जल नहीं सकता है. एयर जो है इट हेल्प्स इन बर्निंग. तो जहाँ ऑक्सीजन होगी, ऑक्सीजन की वजह से ही क्या होते हैं, सब्सटेंस जलते हैं. इसके लिए एक और एग्जांपल भी मैं आपको देती हूँ. अगर किसी पर्सन जिसको, जो आग से झुलस जाता है, जिसको बाय अनफॉर्चुनेटली जो है फायर में वो वहाँ पर हो जाता है जलने की वजह से, क्या करते हैं उसको, उसको फटाफट ब्लैंकेट जो है उसके ऊपर हम डालते हैं. वो ब्लैंकेट हम क्यों डालते हैं? क्योंकि वो ब्लैंकेट क्या करता है, उसकी बॉडी को कवर कर लेता है और जो एयर सप्लाई हो रही होती है उसकी बॉडी को, उसको क्या करता है, उसकी बॉडी तक सप्लाई नहीं होने देता. यानी कि एयर की जो सप्लाई थी उसको वो रोक देता है और इस वजह से वो आग जो है वो बुझ जाती है. फायर एक्सटिंग्विशर जो होते हैं हमारे, वो भी ऐसे ही करते हैं. एक्चुअली में क्या होता है, एयर जो होती है हमारी वो बाकी बहुत ही ऑक्सीजन जो बहुत लाइट होती है, और फायर एक्सटिंग्विशर में मेनली हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यूज़ करते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, ऑक्सीजन से हैवी होती है. तो जैसे ही हम आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, हैवी होने की वजह से नीचे बैठ जाती है, ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देती है और वो आग जो क्या है हमारी, बुझ जाती है. सेकेंड कंडीशन इज कंबस्टिबल सब्सटेंस. कंबस्टिबल सब्सटेंस वही हमने बताया, जो सब्सटेंस जलते हैं
एयर की प्रेजेंस में वो क्या कहलाते हैं, हमारे कम्बस्टिबल। अगर कम्बस्टिबल सब्सटेंस यानी कि जलने योग्य पदार्थ ही नहीं है तो भी हमारा कम्बशन नहीं होगा। एक नॉन कम्बस्टिबल सब्सटेंस से हम कम्बशन नहीं करवा सकते हैं। थर्ड वन इज इग्निशन टेम्परेचर। एंड व्हाट इज एन इग्निशन टेम्परेचर? इग्निशन टेम्परेचर द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस कैच फायर इज नोन एज इट्स इग्निशन टेम्परेचर। वो सबसे कम टेम्परेचर, द लोएस्ट टेम्परेचर, जो सबसे कम टेम्परेचर जिस पर कोई भी सब्सटेंस जो है फायर कैच करता है यानी कि जलना शुरू करता है, वो उसका क्या कहलाता है, इग्निशन टेम्परेचर। यानी कि वो कम से कम टेम्परेचर जिस पर कोई भी सब्सटेंस जलना स्टार्ट करता है वो उसका क्या कहलाता है, इग्निशन टेम्परेचर। क्या आपने कभी देखा है कि मैचस्टिक जो है वो अपने आप जल क्यों नहीं जाती है, हमें उसको रब क्यों करना पड़ता है मैच बॉक्स के साथ? क्योंकि मैच बॉक्स पे के साथ उसको रब करने से उसका इग्निशन टेम्परेचर जो होता है वो उस तक पहुंच जाता है और वो क्या होती है, फायर कैच कर लेती है, जलना स्टार्ट कर लेती है। तभी आपने ये ध्यान दिया है कि सूखी जो पत्तियां होती हैं, ड्राई लीव्स जो होती है, ड्राई लीव्स कैच फायर मोर इजीली देन जो है वेट लीव्स। सूखी पत्तियां जो है गीली पत्तियों के कंपैरिजन में जल्दी से फायर को कैच कर लेती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके पास जो सूखी पत्तियां होती हैं उसमें क्या होता है, पानी कम होता है और इसलिए फटाफट वो क्या करते हैं, अपने इग्निशन टेम्परेचर पर को पहुंच जाती है और फायर कैच कर लेते हैं। लेकिन जो गीली जो पत्तियां होती हैं हमारी, वेट जो लीव्स होती हैं, वाटर जो है उसके इग्निशन टेम्परेचर पर तक उसको पहुंचने नहीं देता है जल्दी से, इसलिए वो जो है आसानी से जलती नहीं है। तो कोई भी सब्सटेंस जब जलता है, जब उसका इग्निशन टेम्परेचर तक जो है हीट उसको सब प्रोवाइड हम करते हैं, सप्लाई करते हैं, उसके बाद जो है वो सब्सटेंस जलता है।